भारतीय सेना की 7 महिला अफसरों का एवरेस्ट अभियान दल नेपाल के जिरी गांव के रास्ते अपना अभियान शुरू कर रहा है। मौसम के मुताबिक खुद को ढालने के लिए ये बिना आराम किए लगातार पैदल चल रही हैं। टी ब्रेक। नहीं नहीं अभी नहीं, चलते रहो। अब तो हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं, अभी ब्रेक नहीं लेना है। ये इलाका सदियों के दौरान कई लिहाज से बदल गया है, मगर अब इस इलाके में रहने वाले लोगों यानी शेरपाओं को इन अभियानों और यहाँ आने वाले सैलानियों से काफी फायदा भी हो रहा है। पर्यटन में हुए इस विकास का असर नामचे बाजार में साफ देखा जा सकता है। कभी ये एक अनजान सी जगह थी जहाँ सौदागर सामान की अदला बदली करके खरीद फरोख्त किया करते थे, मगर आज नामचे एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार बन गया है जहाँ एवरेस्ट की ओर जाने वाले लोगों को हर चीज आसानी से मिल जाती है। खुम्बू ग्लेशियर करीब 10 किलोमीटर लंबा और 150 मीटर गहरा है और ये रोजाना करीब 30 सेंटीमीटर खिसक जाता है और बिना चेतावनी की दरारें बन जाती हैं, जिनसे जल्दी ही खतरनाक दर्रे बन जाते हैं। पर्वतारोहियों को ऐसी जगह पर माहिर लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है जो उन्हें शेरपाओं की टीम से मिलती है, जिन्हें आइसफॉल डॉक्टर भी कहते हैं। ये निडर शेरपा ग्लेशियर की चाल पर नजर रखते हैं और उसके हिसाब से सीढ़ियाँ और रस्सियाँ लगाते हैं। उनके सहारे ही पर्वतारोही चढ़ाई करते हैं। अगर मैं ये सोचकर चढ़ाई करूं कि किसी और देश के अनजान लोग मेरे लिए रास्ता बना रहे हैं तो शायद मैं चढ़ाई ना कर सकूं, मगर मैं जानती हूं कि इन्हें इसी काम के लिए बुलाया गया है और ये अपना काम अच्छी तरह से जानते हैं। इनका काम ऐसा है कि रोज इनकी जान खतरे में होती है, मगर इन जाबाज आइसफॉल डॉक्टर्स के हौसले के बिना खुम्बू ग्लेशियर जाने कितने पर्वतारोहियों के लिए कब्रगाह बन जाए।